ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बेल्जियम मेलनॉइस के इस एपिसोड में। और आज एक बहुत ही रेयर और बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है बेल्जियम मेलनॉइस। और इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानेंगे जो आपको सिलेक्ट करने में मदद करेंगे कि आपके लिए बेल्जियम मेलनॉइस है या फिर नहीं। और आप इसके बारे में ऐसी बहुत कुछ चीज़ें जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बेल्जियम मेलनॉइस के साथ। बेल्जियम मेलनॉइस या फिर बेल्जियम मेलनोआ एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड है। और ये बहुत ही ज़्यादा खेलकूद करने वाले डॉग ब्रीड्स में से एक है। ये इनको कितना भी खिलाओ ये थकेंगे नहीं, खेलते रहेंगे और आपके साथ ऑल खेलने के लिए भी रेडी रहेंगे। अब एक्टिवनेस की बात तो होगी, पर अब जानेंगे डॉग की हेल्थ के बारे में कि हेल्थ इश्यूज़ क्या आते हैं और कैसे आते हैं। तो इस डॉग में बहुत ही कम हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, यानी कि ना के बराबर हेल्थ इश्यूज़ डॉग में आएंगे। अगर एक साल में आपका डॉग एक आध बार बीमार पड़ेगा या फिर हो सकता है कि 4-5 साल तक भी बीमार ना पड़े, इतनी अच्छी हेल्थ कंडीशंस होती है इस डॉग की। ये ठंडे से ठंडे वेदर में भी अडॉप्ट कर लेते हैं और गर्म से गर्म वेदर में भी ये डॉग ब्रीड अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसी के कारण इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है कि अगर इनको खेलते खेलते कोई चोट लग जाए तो ये डॉग ब्रीड कई दिनों तक अपने ओनर को या फिर आसपास जितने भी लोग हैं उनको पता ही नहीं चलने देती कि इनको कुछ हुआ है, इनको कुछ लगा है। तो इसके कारण चोट पे इन्फेक्शन का डर रहता है। तो आपको अपने डॉग को रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि इसको कहीं लगा तो नहीं है, इनको कोई चोट तो नहीं आई है। बस इतना प्रॉब्लम रहता है कि आपका डॉग आपको बता नहीं चलने देगा कि उससे दर्द हो रहा है। ये बहुत ही अच्छा डॉग है और इतना इंटेलिजेंट है कि बहुत ही ज़्यादा इसको ट्रेनिंग दी जा सकती है। और एथलेटिक डॉग्स में से भी आता है, यानी कि ये 10-10 फीट की दीवारें खुद के जा सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड्स में से एक है। बेल्जियम मेलनॉइस की पॉपुलैरिटी इंडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और इनका जो टेम्परामेंट है वो भी एक परफेक्ट गार्ड डॉग की तरह होता है। और ये थोड़े बहुत एग्रेसिव होते हैं, इसके कारण इन्हें ट्रेनिंग देना और इनको बहुत ही ज़्यादा संभालना पड़ता है। और ये भी रीज़न हो सकता है कि लोग इनको नहीं लेना चाहते, पर इनको आर्मी और पुलिस द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बेल्जियम मेलनोआ एक एक्सलेंट वॉच डॉग है और गार्ड डॉग भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बड़ा बताने की कोशिश करते हैं। और ये चाइल्ड फ्रेंडली भी बहुत ही कम प्रतिशत है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग है और हर्डिंग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये चाइल्ड के साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। पर अगर आप इनको चिल्ड्रन के साथ फ्रेंडली करना चाहते हो तो आप इनको बचपन से ही आदत लगाइए कि बच्चों के साथ रहने की। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे या फिर आसपास में छोटे बच्चे होंगे तो आप बेल्जियम मेलनॉइस को इनके साथ खेलने के लिए ले जा सकते हैं, ताकि इनका भी बहुत ही अच्छा सा सोशलाइजेशन हो। और सोशलाइजेशन की बात आ गई है तो इस डॉग को सोशलाइज करना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी पर भी अटैक कर सकता है। अगर इनको अच्छे से सोशलाइज ना किया हो, इनको ट्रेनिंग नहीं दी है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डॉग साबित हो सकता है। अब बात करेंगे डॉग के लाइफ स्पैन के बारे में। तो बेल्जियम मेलनॉइस या फिर बेल्जियम मेलनोआ का लाइफ स्पैन अराउंड 14 से लेकर 17 ईयर्स तक होता है। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है अगर आपके या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस ख़राब हो, और केयर पे भी डिपेंड करता है कि उनकी एज कितनी और कहाँ तक जाएंगी। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि बेल्जियम मेलनॉइस की प्राइस कितनी है। तो ये जो है डॉग वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइजेस में अवेलेबल होते हैं। अराउंड ये 60,000 से लेके 1,07,000 70,000 तक भी इनका प्राइस चला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे किस्म के डॉग होते हैं, इसीलिए इसे कॉमन लोग बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। और आर्मी और पुलिस में इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑफिशियल कामों में इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सिमिलर टू ये जर्मन शेफर्ड ही दिखते हैं, पर उनसे बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं। और ये डॉग ब्रीड बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि बताया, एथलेटिक होती है, यानी कि जितने भी दूर भाग सकती है। मेरे सजेशन से ये डॉग ब्रीड फर्स्ट टाइम ओनर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप सेकंड टाइम ओनर हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस
ओनर होना चाहिए, एल्डर होना चाहिए और डॉग के बारे में बहुत कुछ जानने वाला ओनर ऐसे होना चाहिए। और अगर आप इस डॉग ब्रीड को रखना चाहते हो तो आपको बहुत ही सीरियसली डॉग ब्रीड को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉग ब्रीड एग्रेसिव तो होती है पर इनके टेम्परामेंट का भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसी पर भी अटैक कर सकती है और बाकी एनिमल्स के साथ भी बहुत ही कम फ्रेंडली डॉग ब्रीड ऐसी होती है ये। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो यार।